मैं विश्वेश्वरी आईटीआई कॉलेज उदयपुर से इंस्ट्रक्टर सोनलाल सुथार आज आपको भूमिगत केबलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। इसके समझ में इसके बारे में आपको विशेष तौर से भूमिगत केबल कैसे बिछाई जाती है उसके बारे में बताएंगे। तो भूमिगत केबलों केबलों का वर्गीकरण भूमिगत केबलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? वोल्टेज के हिसाब से किया जाता है। विद्युत के अंदर क्या होता है? वोल्टेज है, एलटी वोल्टेज, जनरेशन एसटी वोल्टेज और हाई वोल्टेज और ईएसटी वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो उनके लिए केबल अलग अलग साइज की होती है। उन केबलों को बिछाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है? ट्रेंच बनानी पड़ती है। ट्रेंच का मतलब जमीन के अंदर, भूमि के अंदर अपने को एक नाली बनानी पड़ती है। वो कितने साइज की होनी चाहिए, कितनी गहरी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या आइटम रख सकते हैं, आइटम रख करके फिर बिछाई जाती है। यूँ नहीं है कि अंदर उसको केबल को आपने नाली बना दी और उसके अंदर वैसे ही डाल दिया। और उस केबल का इस प्रकार से होनी चाहिए कि केबल जैसे आपका कहीं नमी है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अधिक तरह रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक गैस उठती है, तो उसके हिसाब से भी अपने को उसका वर्गीकरण करके या कैसी केबल काम में लेनी है उस हिसाब से ली जाती है। तो सबसे पहले देखो केबलों के वर्गीकरण के अंदर निम्न वोल्ट का क्या होती है, एलटी लाइन। एलटी वोल्ट का कितने होती है? 220 वोल्ट। एलटी लाइन 11 केवी वोल्ट से कम सबसे पहले क्या है, निम्न वोल्ट का कितना पर लगती है, एलटी लाइन है। एलटी लाइन के अंदर कितनी वोल्ट का होती है, 11 केवी से कम। एलटी लो टेंशन लाइन की केबल होती है। इसके बाद में होती है उच्च वोल्ट का, दूसरा है उच्च वोल्ट का। उच्च वोल्ट का कितनी होती है, 11 केवी वोल्ट, 11 केवी वोल्ट केबल। 11 केवी तक की लाइनें जो होती है वो उच्च वोल्टता के अंदर होती है। इसी प्रकार से तीसरी होती है अति उच्च वोल्टता, तीसरी है अति उच्च वोल्टता। अति उच्च वोल्टता क्या है, 11 केवी तक हो गई। इसके आगे कौन सी लाइन होती है, 33 केवी वोल्ट होता है, तो वो क्या हुआ, 33 केवी वोल्ट। अब इसके आगे देखो आपकी 20 लाइन होगी, 11 केवी हो गई और 33 केवी वोल्ट, ये तो आती है सारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब इसके अलावा एक और होती है ईएचटी लाइन। ईएचटी लाइन क्या होती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होता है ईएचटी लाइन। ईएचटी लाइन के अंतर्गत आता है अत्यधिक उच्च वोल्टता के केबल, तो क्या कहते हैं, अतिरिक्त उच्च वोल्ट का, यह होती है। अब आप देखिए यह हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब ईएचटी इसके ऊपर कौन सा वोल्ट होता है, 132 केवी की केबल होती है, यह भी होती है। इसके अलावा अब पांचवा जो होता है वो है अत्यधिक अति उच्च वोल्ट का, अतिरिक्त
अति उच्च वोल्ट का इसके अंदर 125 केवी के ऊपर कौन सी लाइन होती है 220 या 400 केवी, तो 220 केवी इसको कहते हैं अत्यधिक उच्च वोल्ट का केबल, इसको कहते हैं हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। अतिरिक्त उच्च वोल्टता के अंदर तो आ गया ये भूमिगत केबलों का वर्गीकरण, पहला है निम्न वोल्टता 11 केवी वोल्ट से कम केबल कौन सी होती है एलटी, 11 केवी से कम कौन से वोल्टेज होते हैं एलटी लाइन, तो एलटी लाइन के लिए निम्न वोल्टता। फिर है उच्च वोल्टता केबल 11 केवी वोल्ट तक, और तीसरा है अतिरिक्त उच्च वोल्टता 33 केवी वोल्ट तक, चौथा है अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल 132 केवी तक की लाइनों के लिए जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसके लिए, और पांचवा है वर्गीकरण अत्यधिक अति उच्च वोल्टता केबल जो 132 केवी से अधिक वोल्टेज है उनके लिए। अब अपन भूमिगत जो विद्युत की केबलें होती है उनको बिछाने की क्या क्या विधियां होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उनका भी वर्गीकरण होता है। तो भूमिगत केबलों का वर्गीकरण, भूमिगत केबलों को बिछाने की विधियां, भूमिगत केबलों को बिछाने की विधियां ये भी क्या अलग अलग टाइप से होती है। अपन एक ट्रेंच बनाते हैं भूमि के अंदर जमीन के अंदर, और उसके अंदर रेत डाल करके और फिर वो बिछाते हैं, और उसके बाद के अंदर ही करके उसको मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है, कुछ पक्की ट्रेंचों में लगाया जाता है, और कुछ वैसे प्लेटफॉर्म बना करके ऊपर बिछाई जाती है। इस प्रकार से अपन अलग अलग भूमिगत केबलों को बिछाने की विधियां चार है। इसके अंदर सबसे पहले है सीधे भूमि में बिछाना, सीधे भूमि में बिछाना वाहिनियों या पाइपों में बिछाना। तीसरा है खुदे में रेखों पर बिछाना। चौथा है केबल सुगंध के अंदर रेखों पर बिछाना, सीधे भूमि में बिछाना। सीधे भूमि में बिछाने का है भूमि के अंदर ट्रेंच बनाते हैं, नाली बनाते हैं, नाली के अंदर नीचे रेत डाला जाता है, रेत के अंदर फिर केबल बिछाई जाती है, केबल के ऊपर फिर ईंट रख करके और ऊपर मिट्टी भर देते हैं, फिर आता है सीधे भूमि में बिछाना। वाहिनियों या पाइपों में बिछाना, वाहिनियों या पाइपों का मतलब होता है प्लास्टिक पाइप या जीआई पाइप, ट्रेंच बना करके उसके अंदर पाइप उन पाइपों के अंदर केबल बिछाई जाती है। खुले में रेखों पर बिछाना, आपने देखा होगा पावर हाउस में, आपको देखे थे पावर हाउस के अंदर क्या होता है कि एक नाली बनाई जाती है और सीमेंटेड बनाई जाती है, उसके ऊपर खुले में रेखों पर बिछाना, मतलब उसकी नाली बना करके पक्की और उसके ऊपर बिछाते हैं। चौथा है केबल सुरंग के अंदर रेखों पर बिछाना, रेखों क्या सुरंग बनाई जाती है और उसके अंदर रेक टाइप अलग अलग छोटी छोटी दूरी पर कोई भी सपोर्ट दे करके उसके ऊपर बिछाई जाती है। इस प्रकार से केबल सुरंग के अंदर रेखों पर बिछाना, केबलों को बिछाने की जो विधियां है सबसे पहले सीधे भूमि में बिछाना, के अंदर क्या है जो ट्रेंच बनाई जाती है वो ट्रेंच की गहराई कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी उस समय में आपको ये सारे रूल बताए हुए हैं कि 11 के लिए तक गहराई यानी 89 या 11 के लिए लाइन होता 0.9 मीटर उसकी ट्रेंच गहरी होनी चाहिए। 33 के लिए की लाइन के लिए अपन केबल बिछा रहे हैं तो 1.05 मीटर। मध्यम वोल्टता का मतलब 33 के लिए और 132 के बीच में जो भी वोल्टेज हो उनके लिए 1.75 मीटर। सड़क पर या रेलवे क्रॉसिंग जो सतह करते हैं नीचे से होकर के केबल के द्वारा तो उसकी गहराई होनी चाहिए 1 मीटर। ट्रेंच की चौड़ाई जो होगी वो होगी 35 सेंटीमीटर, जो अपन चौड़ाई खोदते हैं गहराई तो यह होगी और चौड़ाई के अंदर 35 सेंटीमीटर चूड़ी खोदी जाती है। यदि दो केबल एक ही ट्रेंच या नाली पर बिछानी है
तो दोनों केबलों की दूरी कितनी होनी चाहिए आपस में? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इनका आपको एक मैं मेप बताऊंगा, जो भी देखिए ये भूमिगत केबल बिछाने का ट्रेंच कैसे बनाई जाती है, नाली कैसे बनाई जाती है। तो टोटल नाली आपको अलग अलग बता दिया था कि इतनी गहराई करनी है, तो गहराई जैसे ये ग्राम की भी लाइन तक है, तो ये हो गया 1 मीटर, 1 मीटर इसकी टोटल गहराई हो गई। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ये हो गई ट्रेंच। अब ट्रेंच के बाद में क्या, सबसे पहले अपन बेस डालेंगे इसमें। केबल बिछाने से पहले बेस बिछाएंगे, वो कितना बिछाएंगे? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर बेस हुआ, उसके ऊपर केबल बिछा करके, केबल बिछाने के बाद वापस बेस डालेंगे, वो डालेंगे 15 सेंटीमीटर। और केबल के ऊपर रेत 15 सेंटीमीटर, 15 और 5 20, 20 के अंदर ये रेत डाला गया और केबल बीच में खींचा दी गई। अब इसके ऊपर रखेंगे ईंट। ईंटे क्यों रखते हैं? ईंटे रखने का कारण ये कि ऊपर से यदि कोई दबाव पड़े, कोई गाड़ी निकले या कोई भी दबाव पड़ सकता है, उसके लिए ऊपर ईंट बिछी जाती है। ईंटे ब्रिक्स, ये ब्रिक्स ईंटे नीचे जाती है, उसके ऊपर फिर जो ये मिट्टी निकली है उससे नाली की, वो मिट्टी वापस अंदर डाल देते हैं। जो भी मिट्टी वहां से निकली है उसको अंदर डाल देंगे, मतलब कर देंगे जितना भी बचा हो। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ट्रेंच हुई है, मतलब जिसके अंदर अपन केबल बिछाना चाह रहे हैं उसके लिए। ये हाइट, ये हाइट आपको बताइए, अलग अलग जगह दूरी गहराई बताई थी। तो अपन LT और EM की भी लाइन केबल बिछा रहे हैं, तो 1 मीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हुई। और उसके बाद में सबसे पहले रेत बिछाएंगे 5 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर केबल डालेंगे, केबल बिछाने के बाद में वापस रेत भरेंगे, रेत भरने के बाद में वापस नीचे लगा करके और उस मिट्टी से फिलअप कर देंगे। इस तरह से ये केबल बिछाने का तरीका है।